कितनी ताकत है तेरे हाथी में, चल भेज। अरे आम झुके और इस कदर झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है। जैसे ज्वाला उभराती है। और ये भैया अमन और आयुष एटा से हैं, 101 पुष्पमुद्राएं भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। भगवान बोले भेंट, देखता हूं तेरे हाथी में कितनी ताकत। सूंड को भगवान कन्हैया ने पकड़ा है, पूंछ को बलराम जी ने, और कलश वाली बहनाएं निवेदन है बाहर आ जाए, कलश वाली बहनाएं। हरी सूंड पकड़ के हाथी जब तय मारो, और गिरो जमीन पे करिनो हंस बिनार। महाराज दांत दो तोड़ ले तत्काल, अरे जाई भोंक दे पेट में बाके, बेफार गए हैं काल। भैया करके द्वारो साफ, कन्हैया सभा में घुस आए। अनुराग करके द्वारो साफ, कन्हैया सभा में घुस आए। उसे समाप्त किया हाथी को, बीलवांडर के भाग गया, अंदर आ गए भगवान। कंस के धनुष को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में सामने लगा है कंस राज का सिंहासन, वहां पहुंच गए भगवान। और जो कंस ने कन्हैया को देखा मुस्कुराने लगा, तू ही है वो कन्हैया जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। भगवान बोले हाँ मामा, हम ही हैं, तुम्हारी तेरहवीं करवे हम ही आए हैं, रुके जा। आगे बढ़े भगवान, तो कंस बोला हमें ऐसे थोड़ी ना मार पाओगे। उस समय के जाने माने दो पहलवान थे, शंख और चाड़ूर, जिन्हें केसरी वरदान प्राप्त था। कंस ने दोनों को आगे कर दिया, बोले पहले इनको मारो बाद में हम तक आओ। और भगवान लंगोटा कसे ठाड़े आते हैं, कान लगे जब यहां तक सफाई करते आए तो थोड़ा और सही, चल भेज अपने पहलवानों को। आह, शंख और चाड़ूर। अरे शंख और चाड़ूर पहलवान, अरे हाथ, अरे रुक जाओ। अच्छा बे टांग रहे हमने अभी हलमात तो। अरे हाथ श्याम से रहे मिला, जगत खिलाड़ी अखिल बाड़ी नमी, रहे खेल सौखे खिला। अरे आगे बढ़ी के मुरली धरने, लो चाड़ू रखो या चकाई उठाई कोई घोसा मारो तोरे छाती में, और सीना पे बैठ
कन्हैया। शंख और चाडूर में युद्ध शुरू हो गया, दोनों को उठाया, उठा करके पटक दिया, दोनों के प्राण निकल गए। कंस बोला बाजीवा देखने में बहुत छोटे, बहुत खतरनाक है। समैया मेरो आए तो पैसे मन बचावे काली, इधर भगवान कन्हैया ने शंख और चाडूर को मारा। कंस के पास में पहुंच गए, बता मामा क्या हाल चाल है तुम्हारे, बहुत बढ़िया अबे हाल ले जी परे पासा जैसी। कंस ने जवाब दिया सुनो कन्हैया हंसो नहीं, हंसना मुझे पसंद नहीं, हंसने वाले लोगों से मुझे बहुत नफरत है, ना जाने मैंने कितनों को बत्ती से विहीन कर दिया, मुंह में दांत नहीं बचे। हाँ आर्टिफिशियल दांत लगवाए घूम रहे नकली वाले, न जाने कितनों के दांत तोड़ दिए हमने। हाँ हंसने वाले लोग नहीं पसंद है, हंस रहा है कन्हैया तू, और सुन मेरी बात, ये सोच मत लेना कि तूने आज कंस की सेना को मार दिया, मथुरा के सैनिकों को मार दिया तो तू जीत गया, अभी तू नहीं जीता। क्यों नहीं जीता कन्हैया, कान लगे रस्सी टूट गई लेकिन बलो अबे उनाएगा क्यों रे। कंस कहने लगा सुनो हमारी बात कन्हैया, मैं जब तक मथुरा में जिया शान से जिया, अरे मैं तो शान से जिया जिया, मैं तो शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया, और छुटी गई मेरी कंती, और स्वर्ग में होगी मेरी एंट्री, स्वर्ग में होगी और देखिए भैया कंस बोला कि हम यहाँ जिए शान से जिए, सम्मान से जिए, अभिमान से जिए, और मैंने अपने कार्यकाल में जीते जी किसी को तुम्हारा नाम भी नहीं लेने दिया, और लोग सारी जिंदगी मर जाते हैं उनको तुम्हारे दर्शन नहीं होते, तो हमको देख लो बिना भजन किए बिना भागवत की हमने तुमको बुला लिया अपने घर पे, बुला लिया, और हमने सुना है कि तुम्हारे हाथों से जो मर जाता उसे नरक नहीं स्वर्ग मिलता है, तो हमने तो यहाँ भी मौज उड़ाई वहां भी मौज उड़ाएंगे, हमें कहा टेंशन जल्दी मारो। मैं तो शान से जिया, सम्मान से जिया, अभिमान से जिया, हो छुटी गई मेरी पत्ती, और स्वर्ग में होगी अब जो इतनी बात सुनी भगवान बोले रुक जा श्रीमान बंटू फौजी, ये भतीजे हैं शिवम यादव, एक माला शास्त्री जी और आचार्य जी को, एक माला परीक्षा जी को और यज्ञपति जी को, 21-21 पुष्प मुद्राएं सभी साथी कलाकारों को, और 21-21 पुष्प मुद्राएं कलश वाली कन्याओं को। इधर भगवान कन्हैया बोले मामा तुझे मारने का तब तक फायदा नहीं है जब तक तुझे तेरी गलतियों का एहसास ना कराया जाए। अब मामा तुम्हारा आएगा नंबर मरे भी मुझे तुम्हारा जो चंदुआ चमक रहो तो तरबूजा अबे हाल फूटो जाए रहो, रुको लाल लाल निकरे देख कदली फल। हाँ अबे ले भगवान बोले सुन मामा अपनी गलतियां शुरू से याद कर ले, बात न की करियो याद मामा जब बहन की करी सगाई रे, आई किलियो बात न की करियो याद मामा जब बहन की करी सगाई रे, और केस पकड़ के मेरी मैया के रथ से लो तो गिराई रे, और मेरे प्यारे माता पिता को जेल में दो डरवाई रे, अरे बड़े दुख दीने तूने मामा ने कला जनाई रे,
बहुत सताया तूने मेरे माता पिता को। अरे भरी भादों की रात अंधेरी तब हम प्रगटे आई रे, और तेरे डर से मेरे बबुला ने गोकुल तो पहुंचाई रे। तेरे डर की वजह से पिताजी गोकुल में छोड़ी आए, लेकिन तूने पीछा नहीं छोड़ा। मैं पांच दिना को भयो पूतना मारन को पठवाई रे, और मोय मारन में तूने मामा ने ककसरी नाय राखी रे। ए मामा ए तो कौन मारेगा भैया, इतने दिखाई नहीं पर जब बीच में कूप आएगा। ओले माटो माटो ले ले मरी मरी मरी, जैसी देवी वैसे पुजऊ। चलो, इतना कहकर भगवान ने घूंसा मार मार करके कंस के प्राण ले लिए। अरे जय बोलो कंस मरिया की जय बोलो।